बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब हम हमारे पास एक डाटा है, ये कुछ एक्सेल में एक सीडीआर का डाटा है। इसका जो फॉर्मेट है वो ज़ोंक है। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओरिजिनल डाटा आता है उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको हम कॉपी करेंगे, एक न्यू शीट ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। जब ये इस तरह के फॉर्मेट में पेस्ट करेंगे तो ये देखें इसके रोज़ की वेट ख़राब हो गई। इसको रैप अनरैप करेंगे तो ये इसकी वेट ठीक हो जाएगी। आफ्टर दैट कंट्रोल ऑल चेक करेंगे, डेटा हमारे पास आ गया है। पहले इसको देख लें ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। इसमें कार टाइप गिवन है, जो ए पार्टी गिवन है जिसको हम उसका नंबर टारगेट नंबर भी कह रहे हैं। कॉल स्टार्ट टाइम है, बी नंबर है और कॉल की ड्यूरेशन है मिनट एंड सेकंड में। लैग सेल आई डी है, आई एम ई है, साइट है, एड्रेस है एंड डैट लॉन्ग वेरिएबल है। चलें इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह एनालाइज करेंगे। बहुत सिंपल सा डाटा है, तो सिंपली क्या करेंगे, इस कंट्रोल आल करेंगे इसको। सबसे पहले क्योंकि हमने इसको पिवट टेबल से लगानी है तो इसको हम सॉरी देखते हैं, बी नंबर्स में कुछ नंबर हैं हमारे पास, ये देखने आ रहे हैं। ये देखें, ये कुछ नंबर्स ज़ीरो के साथ भी हैं, कुछ ज़ीरो के बगैर हैं। पहले इसको ठीक कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करते हैं, इधर लिखते हैं राइट डी टू 10 नंबर ले लें, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये देखेंगे, ये अब हमारे पास सारा डाटा ठीक हो गया इस कॉलम का। इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट स्पेशल पेस्ट कर देंगे और इसको उड़ा देंगे कॉलम के पूरे को। कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब ये देखें, ये अभी एरर शो कर रहा है, कन्वर्ट टू नंबर्स करें, एरर ख़त्म हो जाएगी। कॉल स्टार्ट टाइम है, अगर कॉल डेट और टाइम को आपने सेपरेट करना है तो उससे ये हो जाएगा कि फिर ये अगर आप समरी बनाना चाहेंगे कि किस टाइम से किस टाइम कहाँ होता है, इसकी लोकेशन किस जगह की आती है, तो उसको समझने में मदद मिल सकती है। कॉलम इंसर्ट करें, आर्ट ए ई प्रेस करें, इसको डिलिमिटेड सेलेक्ट करने के बाद ये स्पेस को इसमें स्पेस से सेपरेट हो रहा है तो इसको स्पेस करेंगे। ये देखें स्पेस से सेपरेट हो गया है, फिनिश। ये ठीक है, ये स्टार्ट डेट कर देते हैं इसको हम, और इसको हम स्टार्टिंग टाइम बोल देते, कॉल स्टार्टिंग टाइम। दैट्स इट, ये हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी है। कंट्रोल ऑल करें, सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, इसको टेबुलर फॉर्म में ले जाते हैं। ये अच्छा, इसके साथ ये देखें, टेबुलर फॉर्म में ले जाने के बाद इसकी आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग करें, विजुअली अच्छा लगेगा इस तरह। अच्छा, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इस पर समरीज क्रिएट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, समरीज
बी नंबर उठाएं, बी पार्टी की समरी सबसे पहले बनाते हैं कि बी पार्टी में सबसे फ्रीक्वेंट कॉलर कौन सा, ये निकल आएगा। यहाँ पे डाटे में सॉर्टिंग करेंगे तो ये देखें, ये नंबर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉलर है, इसको ऐसे लगाएं फिल्टर। इसके साथ हम इसको भी फॉर्मेटिंग लगा देंगे, ये देखें बार्स के लिए एडजस्ट करेंगे ये। इसके अलावा इसमें फिर इसको शीट को रीनेम करते हैं, ये हमारी वी पार्टी समरी है। अच्छा, इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट, फिर दोबारा उसी शीट पे जाएंगे, फिर पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। अब इसकी साइट, देन साइट के लिए कार टाइप से भी हो जाता है, ये कार टाइप वाले, ये देखें ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो इससे लोकेशन जाए कौन सी है। डाटा में जाए, सॉर्टिंग कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, डाटा वाज सॉर्टिंग, ये हमारी लोकेशन समरी है। देन अगेन उसी शीट में जाएंगे। अच्छा, ये शीट में मूव करने के लिए आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए पेज अप प्रेस करेंगे तो उससे पहले वाली शीट में चला जाएगा, पेज डाउन प्रेस करेंगे तो नीचे वाली शीट में आ जाएगा। अगेन इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, एक और पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। आईएमई चेक करते हैं कितने हैं, एक ही आईएमई है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी इस कॉलम में, इसको हम चेक करें। अच्छा, ये बी नंबर, बी मिनट्स एंड सेकंड्स, ये काउंट ऑफ वैल्यूज है बी नंबर की, मिनट्स और सेकंड्स की। तो शीट में जाके देखते हैं, सेकंड्स यहाँ पे 53 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये वैसे इसको अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाना है तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे अंडू करें, फिल्टर इसके ख़त्म, इसको इंसर्ट में जाते हैं, फिर कॉलम में इंसर्ट करेंगे। देखें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, ये मिनट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर इसमें ऐड क्या कर देंगे, ये वाले सेकंड्स। तो ये टोटल सेकंड्स में कॉल टाइम आ जाएगा, इसको हम कॉल टाइम कहते हैं, ड्यूरेशन का दे देते हैं, कॉल ड्यूरेशन। अंडू करें, कॉल ड्यूरेशन यहाँ पे हम करेंगे कॉल ड्यूरेशन, ये देखें, ये इसको इसकी कॉल ड्यूरेशन है, इस सारे को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, इसको एक दफ़ा पेज स्पेशल कर लें, फार्मूला उड़ जाएगा। और ये पेज स्पेशल होने के बाद ये दोनों कॉलम्स डिलीट कर लें डाटा से। अब इसमें आते हैं, थोड़ा
ये मोर टेबल्स में चेक करते हैं क्या। टेबल्स खोलते हैं, ये देखिए कार ड्यूरेशन का टेबल ऐड हो चुका है। अच्छा, ये कार ड्यूरेशन का टेबल ऐड हो गया है, इसको उठा के सिंपल ऐसे इधर डाल देते हैं। ये बी नंबर के सामने जो सबसे ज़्यादा जो लंब कॉल की गई है वो एक था, वो जो हमने बी पार्टी चेक की है या कॉल संबंध चेक करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा बी पार्टी पे कॉल की गई है। ये इसमें निकलेगा कि सबसे ज़्यादा टाइम किससे बात की गई है सेकंड्स में, तो ये करेंगे ये। इसके आप घंटे भी बना सकते हैं बाद में, लेकिन फार्मूला सेकंड्स का इसको सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी, क्योंकि घंटों की बात तो कोई भी होगी, घंटों की बात इधर कोई नहीं करेगा। मिनट्स हैं, मिनट्स के हमने सेकंड कन्वर्ट किए हैं और ये टोटल सेकंड्स में है। तो ये कॉल ड्यूरेशन की समरी है। अच्छा, फिर ये दोबारा हम क्या करेंगे, उसी शीट में जाते हैं, ये शीट अब डिलीट कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गई, डिलीट दिस वन। ये अब यहाँ से फिर इसको इंसर्ट करते हैं, देखते हैं इसमें मज़ीद क्या बन सकता है। लोकेशन बन गई है, कॉल ड्यूरेशन बन गई है, कॉल तो लहदा से कॉल की एक समरी बना लेते हैं कि कौन सी कॉल, किस टाइप की कॉल कितनी दफ़ा आई है, इनकमिंग आउटगोइंग कितनी दफ़ा है, इसमें कॉल इनकमिंग इनगोइंग की है, इसमें वो जोन के एसएमएस और कॉल सेपरेट, एसएमएस नहीं है इसलिए सिर्फ ये इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग की कॉल की आ रही है। तो ये इनकमिंग की कॉल की 183 है, आउटगोइंग की 169 है, ये इसको भी हम कॉल समरी का नाम देते हैं। तो जोन से आई थिंक यही है, कुछ भी निकल सकता है। मज़ीद अगर हम साइट में जाएंगे देखें, तो इस साइट को हम अलहदा से इसको चेक कर सकते हैं, ये एसटीए इंडस्ट्रियल एस्टेट का जोन तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट स्वाबी, इसमें अगर एक से ज़्यादा इस कॉलम में डिस्ट्रिक्ट हों तो इन डैट केस यहाँ पे एक और फिल्टर लग सकता है, इससे हम डिस्ट्रिक्ट अलहदा कर लेंगे, फिर आगे तहसीलें उसकी अलहदा, और वो फिर ये हो सकता है कि हम चेक करेंगे ये बंदा किस किस स्वाबी में किस किस बंदे से बात हो रही है, वो बी पार्टी जब लोकेशन आती है तो सवात हो सकता है, दूसरा ज़िला मरदान हो सकता है, जो भी ज़िले होंगे वो। अब हम जब हम डिस्ट्रिक्ट को फ़िल्टर लगाएंगे तो सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड डाटा आएगा इसमें, अभी क्योंकि इसमें नहीं है सीडीआर में, इस डाटा में, दैट इज़ वाई ये नहीं आ रहा।